वोट लेने के लिए जल्दी से आ जाते हैं कि वोट दे दो वोट दे दो, और वोट लेते इनका काम खत्म हो जाता है। आके कॉलोनी में जागते तक नहीं है कि हम जी रहे कि मर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ, विजिट तनिष्क शोरूम इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। डिफेंस कॉलोनी फायसागर रोड से आए सर, हमारी पुलिया हमने खुद ने अपने पैसों से बनवाई है, गवर्नमेंट कुछ नहीं सुनती है। हमारे बच्चे जब पानी आता है ना, इतना पानी आता है, हमारा आदमी काम करने आता है तो वो इस साइड रह जाता है, हम उस साइड रह जाते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह तो सही सलामत जाते हैं, जब पानी आता है ना तो हमारे बच्चे आ नहीं सकते, आस पड़ोसियों के घर पे उधर रोकने पड़ते हैं हमारे बच्चों को। क्यों रोके हम लोग? हम भी तो पैसा देके हमने भी तो प्रॉपर्टी उसी से खरीदी है ना, हमने नाजायज कब्जा थोड़ी करा। जिसने कब्जा कर रखा बाड़ी नदी पे उसको तो सरकार नहीं हटाएगी। 10 साल से सर्वे चल रहा है, सर्वे का कोई मतलब नहीं है, बस सर्वे होके अखबार में आ जाएगा, अखबार में आकर के सारी पब्लिक को पता चल जाएगा हाँ डिफेंस कॉलोनी ने कब्जा करा। तो तुम सर्वे है तो जो अतिक्रमण में हटाओ ना उनको, उनकी वजह से पानी रुक के हमारे बच्चे परेशान होते हैं। हम लोग कहाँ जाए, पीने का पानी नहीं है हमारे घर में, नहाने धोने का पानी नहीं है, नाले के पानी से ले के हम लोग काम चलाते हैं। ये कोई बात थोड़ी होती है हमारी, हम भी इंसान है, हमारे बच्चों को एक एक महीना हो गया स्कूल नहीं जाते हुए, क्या भविष्य बनाएंगे हमारे बच्चों का ये लोग? हैं आने वाले बच्चे देश का भविष्य है ना, जब भविष्य ही खतरे में है तो देश कहाँ से उन्नति करेगा? उनके अधिकारी नहीं है, सरपंच को बोला, सरपंच ने बोला टीम भेजूंगा, आज तक टीम नहीं आई। हमने बोला थोड़ी टूटी है रिपेयर करवा दो इसको, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है हमारे यहाँ से, कुछ भी नहीं है। वार्ड पंच को बोला तो वार्ड पंच ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लिख के दे सकता हूँ। सब लिख के दे सकते हैं, सब अपना फोन रखेंगे, खुद के घर की कॉलोनी सही नहीं करा रहे, हमारी पुलिया सही नहीं करा रहे, बिल्कुल क्या सही करवाएंगे? वोट लेना होता है, जब वोट लेने के लिए जल्दी से आ जाते हैं कि वोट दे दो वोट दे दो, और वोट लेते इनका काम खत्म हो जाता है। आके कॉलोनी में जागते तक नहीं है कि हम जी रहे कि मर रहे हैं, हम लोग इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम है। लाइटों पे खंभे भी हमने लाइटें अपने पैसों से लगवा रखी है, इतने बड़े बड़े सांप आते हैं, बिच्छू केकड़े सब निकल रहे हैं उस पानी में से। कभी भी कुछ भी बच्चे को खा गया तो, और किसी अनजान व्यक्ति को कोई पुलिया में गिर गया रात बिरात, तो फिर कौन जिम्मेदार है? क्या चाहते हैं? प्रशासन है क्या जिम्मेदार? कौन जिम्मेदारी लेता है? क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं हमारी पुलिया बने, पुलिया बने हमारी। ठीक है, नाम बताइए। शकुंतला राठौर मेरा नाम है, और हम चाहते हैं पुलिया बने हमारी, और पुलिया नहीं बनेगी तो हम यहाँ से कलेक्टर भी नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं के यहीं रहेंगे। फिर हमारे कलेक्टर को भेजो, कैसे जाते हैं कलेक्टर उनके घर पे, देखे हमारे घर पे किस तरह से जाते हैं। एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे डिफेंस कॉलोनी, कितनी बार मीडिया आ गई आपके माध्यम से, कितनी बार प्रशासन को चेता चुके, प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके, नेता लोग आके देख गए, SDM साहब देख गए, तहसीलदार देख गया, सरपंच साहब देख गए, गिरदावर देख गया, लेकिन बांडी नदी के 36 अतिक्रमण को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? उस अतिक्रमण के चक्कर में पूरी कॉलोनी में भराव हो चुका है, जो निकलने लायक नहीं है। आपकी मीडियम से देखा हो, घर घर जाकर देखा, मीडिया के माध्यम देखा, घरों में पानी भरा पड़ा है, और जो 3 पुलिया टूट चुकी है, चौथी पुलिया भी आज टूटने को कगार पर है। हम इसलिए प्रशासन को बताना है कि उस पुलिया को रिपेयर कर दो भाई, जो आप तो अतिक्रमण तो नहीं तोड़ सकते हो, उस पुलिया को रिपेयर कर दो। पब्लिक कहां से आएगी? देश के जवान है जो CRPF के, वो रिटायरमेंट पर्सन, वो रिटायरमेंट पर्सन, वो देश के जवान है, वो अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर मकानों में रह रहे हैं, वो अपने जेब से पैसा खर्च किया है, उस पुलिया को अपने जेबों से बनाया है, लेकिन अतिक्रमण को नहीं तोड़ा जा रहा। उस पुलिया को तोड़ने का निर्देश दिया जा रहा है कि पुलिया को तोड़ दो, पानी निकल जाएगा, लेकिन जब पुलिया को तोड़ते हो तो अतिक्रमण को नहीं तोड़ा जा रहा है। अतिक्रमण को तोड़ दो, जो 36 अतिक्रमण बना रखे हैं, वहाँ डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, उनको तोड़ दो, उनको तोड़ा क्यों नहीं जा रहा है? आज किससे मिलना है? कलेक्टर साहब से। नाम बताइए। शक्ति सिंह।